तो जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथ रूटीन और अपने ये निशुल्क संस्था जो हमारे भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जो विशेषतः मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जो जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, उनके द्वारा संचालित होता है। और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, देखिए इस वीडियो में हम लोग एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि MS वर्ड का ये जो हमारा पार्ट वन वीडियो होगा, अगर इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको देखना है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे इतना विस्तृत हम लोग पढ़ने वाले हैं। MS वर्ड का पहला हमारा होम टैब होगा और होम टैब से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, मतलब आज तो होम टैब वाला है, अगले दिन इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब अलग अलग टैब तो दिया जाएगा ना, तो ये पहला शुरुआत किया जा रहा है शुरुआत। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और एक बात है, हाँ, अगर आपके पास कोई भी वर्जन होगा MS वर्ड का, अगर आपके पास कोई भी वर्जन हो उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 2019 का वर्जन हो, 2016 का वर्जन हो, ओके, लेकिन अगर 2007 का वर्जन जो होता है ना, ये सभी, इसके पीछे वाला वर्जन हो या इसके आगे वाला, बाद वाला वर्जन हो, सब कवर इसमें, इस कमांड में, इस एप्लीकेशन में हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम देखते हैं कि MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए आप विंडो डी दबा सकते हैं, विंडो डी दबाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर MS वर्ड को ओपन करना होगा आपको, तो ये स्टार्ट बटन दिखा रहा, स्टार्ट बटन आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट बटन कहाँ दिखा रहा है, ये कोने में, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, नाम भी लिख रहा है आपका स्टार्ट बटन, क्लिक कर सकते हैं यहीं पे और सीधा टाइप कर सकते हैं क्या MS वर्ड। अगर ये भी MS वर्ड आप टाइप करेंगे तो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ जाएगा। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड ओपन होके आ जाएगा। ये तो छोटा दिखा रहा है, बड़ा करना होगा तो मैक्सिमाइज पे क्लिक कर लीजिए, आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये पहला विधि हुआ। दूसरा विधि क्या होता है, रन कमांड से ओपन करना। रन कमांड से ओपन कैसे करते हैं कि आपको दबाना होता है कीबोर्ड से विंडो लोगो की प्लस आर, जो रन कमांड ओपन होता है। रन कमांड में लिखना होता है विन वर्ड, जो पहले से हमारा लिखा है। अगर आपको टाइप करना होगा तो लिखिएगा क्या, विन वर्ड, WINWORD। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिएगा। ये आपके सामने MS वर्ड तो ओपन हो गया। इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीन इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें कौन कौन से कमांड कहाँ कहाँ पे है। अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना विस्तृत पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं पढ़ा है, पहली बार है, तो भी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करिए तो उसका तीन कंट्रोल बटन देता है। तीन कंट्रोल बटन कहने का मतलब क्या है, क्लोज बटन जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्या, रिस्टोर डाउन बटन या मैक्सिमाइज बटन, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। इसका अर्थ क्या होता है, अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये तो बंद हो गया हमारा। ओपन करना होगा तो फिर से हम ओपन कर लेते हैं, करना क्या है इसमें, ओपन कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन, क्योंकि अभी तो ये देखिए अभी बड़ा है। अगर छोटा है, इसको बड़ा करना होगा तो मैक्सिमाइज अब लिखेगा, ओके, देख सकते हैं क्या लिखेगा, मैक्सिमाइज, ये लिख रहा है आपका मैक्सिमाइज, क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं, ये आपका बोल रहा है कि आगे, ये बोलेगा आपका मिनिमाइज, क्या होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज अब क्लिक करते हैं तो ये कहने का अर्थ क्या होता है कि आपका जो कार्य है ना MS वर्ड से समाप्त नहीं हुआ है, बशर्ते जो आप MS वर्ड में कार्य कर रहे थे उसको स्क्रीन से हटा दिए हैं, मिनिमाइज करके टास्क बार में ला दिए हैं। क्लियर है इतना, ओके। चलिए, और क्लोज बटन का कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट F4 होता है, आप कीबोर्ड से अल्ट F4 दबा सकते हैं। ये जो मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन का कीबोर्ड शॉर्टकट की बात की जाए तो आप कीबोर्ड से विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। एक बार डाउन, एक बार अप वाला एरो की दबाएंगे, जो नेविगेशन की, चार नेविगेशन की होता है, एरो की बोलते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, अप वाला दबाएंगे तो बड़ा, डाउन वाला एरो की दबाएंगे तो छोटा। किसके साथ, विंडो लोगो की प्लस अप एरो बड़ा हो जाएगा, विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो छोटा हो जाएगा। अभी तो छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ओके। मिनिमाइज कैसे होता है, तो मिनिमाइज होता है विंडो लोगो की प्लस डी से, विंडो लोगो की प्लस डी आप प्रेस करिए मिनिमाइज हो जाएगा, एक बार प्रेस करिए मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन क्यों लिख रहा है कि अभी तो किसी नाम से हम इसको सेव ही नहीं किया है,
अगर सेव कर देंगे तो वो नाम दिखाता है। तो सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या होता है कि सेव की गई फाइल का नाम दिखाता है। ये डॉक्यूमेंट वन क्यों लिखा है, क्वेश्चन ही पूछता है कि जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट वन, याद रखिएगा। ओके, कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो इसको देखिए, हम इसको एक बार बड़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ पे देखिएगा लिखा है, लिखा होगा डॉक्यूमेंट वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार बात करते हैं आगे हम, इसको क्या बोलते हैं जो आपका यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वन। अब होता है क्विक एक्सेस टूल बार, इस छोटे से जो बटन दिया है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज़ क्या है, तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ किया है कि कोई भी कमांड आपका आपने प्रयोग या आप ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अभी यहाँ पे सेव बटन है, रीडू बटन है, प्रिंट प्रीव्यू बटन है, है ना, ईमेल सेंड ईमेल है आपका, प्रिंट यहाँ पे आपका क्या है, कंट्रोल एन न्यू कमांड दिया है। अगर आपको कोई और कमांड ऐड करना है क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से, मतलब कहने का अर्थ क्या होता है कि जिस कमांड का आप ज़्यादा प्रयोग करते हो उसको टाइटल बार में रख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से। अभी यहाँ पे न्यू लिखा है ना, इसको अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा। ओके, लाना होगा तो चेक मार्क लगा दीजिए, आ जाएगा। अभी यहाँ पे ओपन का, अगर आपको ओपन रखना हो कि हम जल्दी से इस पर क्लिक करके ओपन, मतलब कोई भी फाइल को ओपन कर लें तो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जिसका प्रयोग अपने जल्दीबाजी में आप कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से आप उसको टाइटल बार में रख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन ये है आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन से क्या होता है कि इसमें होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये सब आपको क्लोज देता है। इसका यूज क्या है, तो सबसे पहले न्यू की बात करते हैं। न्यू क्या होता है कि न्यू ये होता है कि अगर आपने कोई, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको आपने बना लिया, अब कोई नई डॉक्यूमेंट को बनाना होगा तो न्यू कमांड का यूज़ करिए। जब न्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपसे पूछेगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो क्लिक करिए ब्लैंक पे और क्रिएट कर दीजिए ब्लैंक, ये आपका नया बन गया। अभी लिखा है डॉक्यूमेंट सेवन, क्यों लिखा है कि अभी तो हमने ओपन कर लिया है बहुत, इसको हम क्लोज कर देते हैं, पांचवा क्लोज करते हैं, सातवें को क्लोज करते हैं, पहले को रखते हैं। ओके, तो ये तो हुआ नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ओपन क्या होता है कि पहले से सेव किए गए फाइल को ओपन करना होगा, तो ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, वीडियो तो लंबा होगा, कुछ अधिक सीखना होगा, कुछ विस्तृत सीखना होगा, कुछ सबसे अलग सीखना होगा तो समय देना पड़ता है, क्योंकि जब लर्निंग होता है ना टाइम टेकन होता है, टाइम आपका लेगा। ओपन क्या होता है कि सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से किसी को ओपन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, है ना, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, ये तो आप ओपन कर सकते हैं। अगला होता है सेव के लिए। अगर मान लीजिए इसको हम इसमें कुछ लिख दे रहे हैं, इसको हम आगे बताएंगे इसमें हमने क्या क्या लिखा है, इसमें हम कुछ लिख दे रहे हैं, इसको क्या करना है, हमको सेव करना है, तो सेव करना तो क्या करेंगे, तो हमको सेव पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सेव नहीं करेंगे तो ये क्या, हम कल इसको भविष्य में ओपन नहीं कर सकते। तो जो ही सेव पे क्लिक करेंगे, है ना, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, या डेस्कटॉप पे ही सेव करना है आपको। चलिए ठीक है, डेस्कटॉप में, तो आपके नाम का कोई फोल्डर भी बना है, मान लीजिए ट्रिपल सी नोट में, नोट्स में हमको सेव करना है, तो इसको पहले हमको ओपन करना होगा, डबल क्लिक करिए ओपन हो जाएगा, यही ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेव, ये इसका नाम अगर चेंज करना होगा आपको तो फाइल नेम दे सकते हैं, फाइल नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, यहाँ से सेव कर देते हैं। अब यही इसी नाम से देखिए, ऑन द इंसर्ट टैब से सेव हो गया। अब सेव एज क्या होता है कि अब देखिए, ऑन द इंसर्ट टैब, मान लीजिए हमने गलती से सेव कर दिया, ऑन द इंसर्ट टैब, या गलती से किसी अन्य के फोल्डर में हमने सेव कर दिया, तो सेव एज है ना, वहाँ से आप उठा के कहीं दूसरी जगह सेव भी कर सकते हैं। ओके, सेव एज पे क्लिक करिए। चलिए, आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ठीक है, अब ये हमारा फोल्डर नहीं था, हमारा फोल्डर ये है डेस्कटॉप आल आइकन या एमएस वर्ड 2007, ये वाला हमारा फोल्डर, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं तो इसमें चला जाएगा, मतलब नाम और लोकेशन आपको जब भी चेंज करना होगा आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। ओके, प्रिपेयर अभी आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको अभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है, पासवर्ड लगा के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। सेंड ईमेल जो हम इसको भी बाद में बताएंगे आपको, पब्लिश भी आपको, ये सब जो तीनों कमांड दिया है ना ये आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्रिंट का देख लीजिए, प्रिंट क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा तो प्रिंट पे क्लिक करिए और ये आपको प्रिंट करने के लिए पूछेगा कौन सा आपका प्रिंटर है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए प्रिंटर को। अगला बोलेगा कि सबको प्रिंट करना है जितना पेज, तो आप कर सकते हैं, सबको नहीं करना है, जिस पे हम है, जिस पे हमारा कर्सर है, तो करंट पेज या पेजेस, या एक से दो तक, या एक से आप कर सकते हैं कि एक से पाँच तक प्रिंट करें,
है ना, यहाँ से ओके कर सकते हैं प्रिंट करना होगा तो, ठीक है। चलिए ये तो प्रिंट में था, प्रिंट में आके क्विक प्रिंट था कि पहले जो हमने सेटिंग किया था उसी सेटिंग पे प्रिंट कर देना है डायरेक्ट, तो क्विक प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को देखना कि प्रिंट होने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट देख लें कि कैसे होगा प्रिंट होने के बाद। क्लोज करते हैं इसको, अब आते हैं होम टैब पे। ओके, तो ये आपका जो है ना एरिया, इसको बोलते हैं होम टैब यानी टैब बार। टैब बार कहाँ पे है, तो टैब बार, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, और बारी बारी से हम लोग सभी टैब को देखेंगे, सभी टैब को पढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो में बने रहिएगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, और जस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्रुप, ग्रुप बार या रिबन बार। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ्रंट ग्रुप है, पैराग्राफ है, उसके बाद स्टाइल ग्रुप है, उसके बाद क्या है, एडिटिंग ग्रुप है। ये सभी ग्रुप को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो क्लिक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मतलब क्या होता है कि किसी कमांड को एक ग्रुप में रख देना जिसका एक कार्य होता है, जिस कमांड का। ओके, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर है। फ्रंट में जाइए तो ये सब दिया है, पैराग्राफ में जाइए तो आपको पैराग्राफ से संबंधित दिया है, स्टाइल में जाइए तो क्विक स्टाइल है, बना बनाया जो स्टाइल है आपको दिया है, एडिटिंग में जाइए तो टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए कुछ आपको एडिटिंग दिया है। ओके, जस्ट अगर हम नीचे आ जाएं, नीचे अगर आ जाएं तो इसको जस्ट बोलते हैं, यहाँ पे वन ऑफ वन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो जूम करते हैं, यहाँ पे वन ऑफ वन लिखा है पेज ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। आपका वर्ड का संख्या दिखा रहा है, 185 वर्ड आपने अभी लिखा है, ये आपका स्टेटस दिखा रहा है, स्टेटस बार बोलते हैं। और यहाँ पे आपको जूम का लेवल दिखाता है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर प्लस पे दबाएंगे तो बड़ा होगा पेज हमारा, माइनस पे दबाएंगे छोटा होगा। ये जूम का लेवल दिखाता है स्टेटस बार पे, पेज का व्यू लेवल भी दिखाता है। देखिए अभी आपका ये क्या है, आपका प्रिंट लेआउट में है, ये आपका है फुल स्क्रीन रीडिंग में, ये आपका वेब लेआउट में है, ये आपका आउटलाइन, ये आपका ड्राफ्ट। ये अगर ये ना समझ में आ रहा तो ठीक है, ये बाद में है, लास्ट में। चलिए अब जस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं ये सबको, तो इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार, जो काली पट्टी दिखा रहा है नीचे आपका। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं क्लिपबोर्ड का। सबसे पहले हम यूज़ क्या करेंगे क्लिपबोर्ड का, सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका कट, कॉपी दिया है ये आपका क्या है, हाइड है, मतलब अभी सक्रिय नहीं है। क्लिक करिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्लिक करते रहिए कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, है ना, क्लिक करते रहिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो असर कब पड़ेगा, असर पड़ेगा जब कोई सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जब इसके टेक्स्ट को होता है ना कि जब हमारे आदमी को छू कर दिखाओ तब ना सक्रिय होंगे। लीजिए छू दिया यहाँ, मतलब छूना नहीं है यहाँ पे, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, बड़ा करते हैं सेलेक्ट करके इसको, है ना, दिखाई दे रहा आपको ना, सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करते हैं कि इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना है कर दीजिए। अब हम सेलेक्ट कर लिए तो बोला है हाँ अब जगह है, देखिए अब जगह है, मतलब अब सक्रिय हुआ है, कट कॉपी सक्रिय हो गया। तो कट कॉपी में अंदर क्या है, कट करते हैं तो जो टेक्स्ट हम यहाँ से कट करेंगे ना ये अपने स्थान से हट जाता है, जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहीं पर रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब है, यहाँ से कट करके हमको नीचे रखना है तो कट करना पड़ेगा, उठा के लीजिए कट कर दिए, कट कर दिया, हम यहाँ पे रखना है तो माउस से क्लिक करिए ना, जहाँ रखना हो क्लिक कर दिए, पेस्ट कर देते हैं, आ गया पेस्ट कर दिए। तो अब देखिए कॉपी फिर से हो गया, कट कॉपी फिर से हो गया, क्यों, सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी जगेगा। सेलेक्ट कर लिए फिर कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं अब यहाँ पे रखते हैं कि दोनों स्थान पे रखना है, नीचे और ऊपर दोनों रखना है। तो सेलेक्ट कर लिए फिर पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल भी होता है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। जब सेलेक्ट करेंगे अपना और जब इस पर आकर थोड़ा देर वेट करेंगे तो देखिए लिखेगा क्या लिख रहा है, देखिए कट में क्या लिख रहा है, कट इसका नाम क्या लिख रहा है, कट, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, बोल रहा है कट द सेलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। चलिए अगला कॉपी का क्या बोल रहा है, कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के, मतलब कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसी को लिख रहा है। चलिए ओके ठीक है, ये तो ठीक है। अब बात आती है कि अब ये तो पेस्ट हो गया, लेकिन पेस्ट में एक और ऑप्शन है, पेस्ट हाइपरलिंक का, पेस्ट हाइपरलिंक का है। तो पेस्ट हाइपरलिंक का हमको क्लिक करना है, पेस्ट हाइपरलिंक पर क्या करते हैं हम, पेस्ट हाइपरलिंक ही कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कॉपी, और कॉपी पे जस्ट क्लिक करते हैं। अगर आपका पेस्ट हाइपरलिंक क्लिक करते हैं, अब देखिए पेस्ट हाइपरलिंक क्या होता है कि जहाँ से आपने कॉपी करके उठाया है वहीं पे आपका कर्सर डायरेक्ट जाएगा, हाइपरलिंक अगर कर देंगे, मतलब लिंक होता है ना, आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे कि अधिक टेक्स्ट पढ़ना है तो क्लिक हेयर लिखता है, क्लिक हेयर तो अगला आपका पेज ओपन हो जाता है। तो जस्ट यहीं पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका माउस पॉइंटर किस तरह बना है, आपका हैंड, हाथ के आकार का बन गया है। जस्ट यहाँ पर हम क्लिक करें कि जहाँ पे आपका टेक्स्ट था ना पहले वहीं पे जाएगा, यहाँ पे हमने कॉपी किया था, यहीं से कॉपी किया था ना, तो वहीं पे जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर आपका यहाँ पे है ना, क्लिक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर आपका सीधा जा रहा है, क्लियर है।
ये तो हुआ पेस्ट हाइपरलिंक का यूज़। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, अभी पढ़िए तो, है ना। ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ में तो कम आएगा। पेस्ट स्पेशल में क्या है, अब देखिए पेस्ट स्पेशल में क्या है, अब हम क्या करते हैं कि टेम्पलेट जो है ना, इसको टेम्पलेट को बड़ा कर देते हैं, ओके, कलर कर देते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है कर देते हैं, ओके। हमको क्या करना है कि इसको विदाउट फॉर्मेटिंग जो किए हैं फॉर्मेटिंग ना, विदाउट फॉर्मेटिंग का पेस्ट करना। अगर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहीं पे अगर हम पेस्ट करें तो सेम टेक्स्ट वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसी तरह टेक्स्ट तो को पेस्ट तो करना नहीं है हमको, सिंपल जो टेम्पलेट का है इसको हमको क्या करना है कि विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है। तो पेस्ट में चलिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, और पेस्ट स्पेशल में आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, ये दिया है अनफॉर्मेटेड अनयूनिकोड टेक्स्ट, ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो भी आपको अप्लाई करना है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हम कर देते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में आके हम क्या कर देंगे, एक बार हम ओके करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, ये तो टेक्स्ट ऐसा कॉपी किए थे ऐसा आ गया, क्योंकि हमने बोला था ना इसमें तो हमने कमांड दिए थे कि अनफॉर्मेट टेक्स्ट, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं आना चाहिए, ऐसा पेस्ट करो, ओके। अब हम पिक्चर के फॉर्म में पेस्ट करने वाले हैं, पिक्चर बना के। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आप देख लीजिएगा, एक एक का यूज करके आप खुद देखिएगा, यहाँ पे हम सबको बता दे रहे हैं, ओके। ये देखिए जो आपका है ना, ये पिक्चर बन गया। कैसे पिक्चर बन गया, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल ओपन हो रहा है फॉर्मेट का, ध्यान दे सकते हैं, है ना। अलग अलग पिक्चर का टूल यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये पिक्चर बन जाएगा। पिक्चर में पेस्ट करना होगा या विदाउट फॉर्मेटिंग का पेस्ट करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल में। आपको क्लियर है, आशा करते हैं क्लियर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, डिटेल एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम। ये देखिए हमने ये चार जो लिया है ना, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है। अब ये 5 टेक्स्ट को हमको क्या करना है कि सेम फॉर्मेटिंग, मतलब यहाँ पे हम कोई फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। फॉर्मेटिंग मतलब क्या, बोल्ड ग्रेटर देन कर बड़ा कर रहे हैं इसको, और कोई भी इटैलिक अंडरलाइन इस पर टेक्स्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। सेम फॉर्मेटिंग ये सभी जो टेक्स्ट है नीचे वाला इस पर अप्लाई करना है। तो जब सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे कॉपी करना होता है फॉर्मेटिंग को ना, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या है, इसको सेलेक्ट करिए, एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, अस्थायी रूप से होगा, दो बार क्लिक करेंगे तो स्थायी रूप से हो जाएगा। क्लिक करिए दो बार और ये तो हो गया आपका अस्थायी रूप से। बस इसको क्लिक करके सेलेक्ट, इसको क्लिक करके सेलेक्ट, इसको क्लिक करके सेलेक्ट, इसको क्लिक करके सेलेक्ट, सब सेम फॉर्मेटिंग बन जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए ओके। आशा करते हैं आपको क्लिपबोर्ड का अच्छे से समझ में आया होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे डॉट दिया है ना, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है दया, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ गड़बड़ है दया, क्लिक करिए। दया गड़बड़ क्या है, टेम्पलेट हमने कॉपी किया था, इसको जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार पेस्ट होता रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक करें उतनी बार ये पेस्ट होता रहेगा, देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पे जो क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे है आपका, इसको हम हटाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं, बराबर का साइन देते हैं। अब देखिए जो हम टेक्स्ट लिखे थे ना, वो टेक्स्ट लिखे थे बराबर का साइन पहले दिए थे, आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर दबाएंगे, दबा दिए तो, है ना। एक बार और बता रहे हैं आपको, क्या दबा लिखना आपको, आर ए एन डी, बराबर का साइन पहले दीजिएगा, बराबर आर ए एन डी, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। आप चाहे तो इसमें 2.5 कर सकते हैं, 2.5 मतलब क्या कि 2 पैराग्राफ 5 लाइन का लीजिए, इसमें भी कर दिए हम, और इसको एंटर दबा देते हैं, ले हो गया। मतलब क्या कि 2 पैराग्राफ ओके 5 लाइन, चलिए ओके है, ठीक है, ये आपका 2 पैराग्राफ बन गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोल्ड इटैलिक सब दिया है, एक बारी बारी से देखते रहिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। सेलेक्ट इसको करते हैं, बिना सेलेक्ट कुछ नहीं होगा, पहले सेलेक्ट करिएगा, बोल्ड करते हैं बड़ा हो जाए, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करते हैं थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ओके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, और यहाँ पे तो बोल्ड इटैलिक का यूज़ आपको हो गया। अब अगला क्या है, अंडरलाइन, अंडरलाइन पे जो ही क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन देखिए कैसा दे रहा है, ज़िगज़ैग अंडरलाइन दे रहा है। दूसरा अंडरलाइन बदलना हो तो क्या करेंगे, यहीं पे दिया है ना ड्रॉप डाउन, जस्ट देखिएगा यहीं पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है, क्लिक करिए इसी पे, और ये देखिए जैसा अंडरलाइन आपको यहाँ पे लेना होगा वैसे पे क्लिक करिए, वैसा ही आपका यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम ये जो स्पेस है ना, जैसे मान लीजिए ऑन के बीच में स्पेस है, द के बाद स्पेस है, इंसर्ट के बाद स्पेस है, हमको स्पेस वाले पे ये आपको अंडरलाइन नहीं देना है, जितना टेक्स्ट है ना इस पे अंडरलाइन देना है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए है कि यहीं पे क्लिक करिए, यहीं पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग करने के लिए देता है, क्लिक हो गया, जस्ट नीचे आइए, देखिए मोर अंडरलाइन, उससे पहले यहाँ पे नीचे देखिएगा अंडरलाइन का कलर देता है। अंडरलाइन का कलर मतलब यहाँ पे देखिएगा, प्रीव्यू दिखा रहा है आपका अंडरलाइन में, जो कलर यहाँ से अप्लाई करेंगे वही कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ओके हम रेड कर देते हैं। अब आगे चलते हैं हम, आगे
यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करना आपको मोर अंडरलाइन पे, मोर अंडरलाइन पे जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे फंड का। तो चलिए फंड वाले में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ इसको, लेकिन हमको अभी अंडरलाइन स्टाइल पे आना है। अंडरलाइन स्टाइल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल पे आना। अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे दिया है आपका, अभी तो नन दिया है। हम क्या करेंगे, वर्ड ओनली, सिर्फ वर्ड पे लगाना हमको अंडरलाइन। तो ठीक है, वर्ड पे लगाइए। आइए देखिए प्रीव्यू आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ओके इसको हम छोटा करते हैं, प्रीव्यू आपको दिखाएगा। ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि सिर्फ वर्ड पे लगा है, ओके। यहाँ पे जो अंडरलाइन लगाएंगे ये आपको नीचे दिखाएगा, प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका कोई प्रीव्यू यहाँ पे लगाइए, दिखाएगा, ओके कर देते हैं, ओके ना। यहाँ पे जो भी आपको अंडरलाइन लगाना होगा, मोर अंडरलाइन, यहाँ पे वर्ड ओनली, ओके सिर्फ वर्ड पे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका नाम क्या है, स्ट्रिक थ्रू, है ना। स्ट्रिक थ्रू क्या है, स्ट्रिक थ्रू क्या है कि जस्ट इसको हम सेलेक्ट करते हैं, बिना सेलेक्ट तो कुछ होगा नहीं, अंडरलाइन स्ट्रिक थ्रू कर देते हैं। देखिए ये क्या करेगा, जब मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको करना है कि ये गलत टेक्स्ट है, इसको हमको कट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके स्ट्रिक थ्रू कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को आप काट सकते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है कि डबल स्ट्रिक थ्रू भी आता है। डबल स्ट्रिक थ्रू कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए यहीं पर दिया है ना, ये मोर अंडरलाइन नीचे दिया है, मोर अंडरलाइन पर आइए। अब देखिए यहाँ पर दिया है डबल स्ट्रिक थ्रू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डबल स्ट्रिक थ्रू, डबल स्ट्रिक थ्रू दिया आपका, ओके दिखाई तो दे रहा है ना, डबल स्ट्रिक थ्रू यहाँ पर। अब यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखा रहा है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके करना है, क्लिक कर देते हैं ओके पे, ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए डबल स्टिक थ्रू आपका अप्लाई हो गया। जस्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट, इसका नाम सुपर स्क्रिप्ट, ध्यान से देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ओके क्या लिख रहा है, सब स्क्रिप्ट, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, बेस लाइन में लिखने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या है, क्रिएट अ स्मॉल लेटर अबोव लाइन ऑफ टेक्स्ट टू क्रिएट अ फुट नोट, क्लिक टू इंसर्ट फुट नोट ऑन द रेफरेंस टाइप, कहने का मतलब क्या है हिंदी में बताते हैं। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए एच टू ओ लिखते हैं ना हम लोग, एच टू ओ लिखते हैं तो क्या होता है, टू कहाँ होता है, नीचे होता है, चलिए भाई एच टू ओ ऐसे लिखते हैं। अभी अगर डबल स्ट्रिक थ्रू आ रहा है, हटाना होगा तो जहाँ से लगाए हैं वहीं पर क्लिक करिएगा, ये स्ट्रिक थ्रू दे रहा है ना, इस पर दो बार क्लिक कर दीजिए हट जाएगा, है ना। डबल अगर स्ट्रिक थ्रू होगा तो सिंगल बार में हटेगा नहीं, बराबर क्लिक करना पड़ेगा। अब टू को कहाँ लिखना है, नीचे, तो सबसे पहले टू को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू के आगे या पीछे कहीं भी कर्सर रखिए, जिधर सेलेक्ट करना होगा आप माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबाए रखिएगा और खींच देना है, ड्रैग करना उस पर, ड्रैग कर दिया सेलेक्ट हो गया। नीचे करना है तो क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट दिया है, लीजिए नीचे कर दिया, ओके यहाँ पर सब स्क्रिप्ट तो हो गया, ओके ये तो सब स्क्रिप्ट का हुआ, ओके ठीक है लिख लेंगे आप लोग ना। चलिए अब क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके बी स्क्वायर लिखते हैं, बी स्क्वायर बराबर का साइन सी स्क्वायर। अब स्क्वायर तो रहेगा ना, तो नीचे बराबर में है, सेलेक्ट करिए एक्स स्क्वायर पे क्लिक, एक्स स्क्वायर पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्लिक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पे क्लिक कर दिए, आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऊपर हो गया, जस्ट इस पर क्लिक करते हैं, एक्स स्क्वायर पर क्लिक कर देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट नाम क्या है उसका, सुपर स्क्रिप्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट, ओके इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट आपका प्लस साइन, और सब स्क्रिप्ट का होता है क्या, सब स्क्रिप्ट का होता है आपका कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस बराबर देख सकते हैं यहाँ पर लिखेगा, है ना, लिख तो रहा है ना, ध्यान से देखिएगा लिख रहा होगा, ओके ये तो लिख रहा है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि अभी तो ये आपका सेंटेंस केस में वर्ड लिखा है, ये देख सकते हैं सेंटेंस केस में लिखा है, यू कैन यूज दिस गैलरीज टू इंसर्ट टेबल्स, तो यहाँ पे ये सेंटेंस केस में लिखा है। अब आप चाहते हैं कि इसको सेंटेंस केस में तो लिखा है, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख दें या पूरा स्मॉल लेटर में लिखिए, तो पूरा स्मॉल लेटर में लिखा ही है। आप चाहते हैं कि पूरा कैपिटल लेटर में लिख दें, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सेंटेंस केस पे आपको जाना पड़ेगा, अपर केस करिए बड़ा हो जाएगा, ओके अपर केस करिए आपका, ये ऊपर कर लेते हैं इसको एक बार, अपर केस करिए आपका बड़ा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि जस्ट अपर केस तो हो गया, लोअर केस करते हैं छोटा हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि एक वो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, बड़ा, हर वर्ड का देखिए, इंक्लूड में आई बड़ा, आइटम में आई बड़ा, डाइट में टी बड़ा, आर में ए बड़ा, है ना, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टोंगल केस क्या होता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ पे जो है का अपर केस का जस्ट उल्टा, टोंगल केस मतलब क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर छोटा बाकी बड़ा, हर वर्ड का किसके उल्टा है, तो कैपिटलाइज इस वर्ड के, है ना, हर वर्ड का पहला लेटर छोटा बाकी सब बड़ा,
किस में होता है, टोंगल केस में। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं उसके बाद देखिएगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है कि ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसके पीछे बैकग्राउंड में आपको कोई कलर देना हो तो टेक्स्ट हाईलाइट करिए, आपका बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है कि अगला दिया है टेक्स्ट कलर। अगला टेक्स्ट कलर क्या होता है कि टेक्स्ट कलर पर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का कलर दिया आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो नीचे दिया है ना मोर कलर, आ जाइए मोर कलर पे। स्टैंडर्ड में बना बनाया कुछ कलर दिया है, कोई कलर पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, वही कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसमें भी नहीं चाहिए तो ठीक है, मोर कलर पे आइए। यहाँ पे कस्टम दे रहा है कि लीजिए, बना लीजिए अपने मन से, नहीं पसंद में आ रहा तो, पसंद नहीं आ रहा तो लीजिए बना लीजिए, बना लिए, यही कलर अप्लाई करना है हमको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग फंड फैमिली का यूज़। फंड फैमिली का यूज़ देखिएगा, फंड फैमिली का यूज़ क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब फंड फैमिली का यूज़ क्या है, एक बार इसको हम बड़ा कर लेते हैं तब आपको ध्यान में समझ में आएगा। इसको बोलते हैं फंड फैमिली, ध्यान से देखिएगा, नाम लिख रहा है फंड फैमिली, क्या लिख रहा है, फंड फैमिली, फंड फैमिली लिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए बढ़िया है, फंड फैमिली लिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्लिक करते हैं इस पर। और जितना ये फंड दे रहा है ना, फंड जो स्टाइल यहाँ पे दे रहा है फंड का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फंड का यहाँ पे स्टाइल दे रहा है, आप फंड का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करिए और वही आपका टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये तो पहला यूज़ हुआ, दूसरा यूज़ क्या है, है ना। पहला यूज़ ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पे कोई फंड अप्लाई आपने कर दिया, लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं अखिलेश यादव, ठीक है। अब हमको हिंदी में लिखना हो तो यहीं से फंड फैमिली दिया है ना, चेंज कर लीजिए, हिंदी में यहीं से लिखते हैं। ये आपका दिया है ना यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से इसको, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, कम असले 10, ठीक है, कृतिदेव नाम होता है इसका हिंदी वाले का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अखिलेश, ओके अखिलेश ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अखिलेश, ओके अखिलेश, ओके। तो ये आप हिंदी में भी टाइप करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइप करना हो तो चेंज कर सकते हैं फंड फैमिली से। अब ये देखिए बड़ा करना होगा तो क्या करेंगे, लीजिए बड़ा कर दिए 72 तक। अब इससे बड़ा करना होगा तो इसी में टाइप कर दीजिए डायरेक्ट ना, बड़ा कर सकते हैं 1638, इतना आप बड़ा कर सकते हैं, इसके इससे अधिक आप बड़ा नहीं कर सकते, इससे अधिक आप बड़ा नहीं कर सकते टेक्स्ट को, ठीक है ना। 1638 मैक्सिमम आपका कितना होता है, छोटा होता है 1, ओके। तो इससे 1 या आप कर सकते हैं 42 तक हम कर देते हैं बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ा फंट, ये फंट साइज़ होता है आपका, फंट साइज़, ओके। ग्रेटर देन का होता है बड़ा करने के लिए, लेस देन होता है छोटा करने के लिए। ग्रेटर देन क्या होता है, दिखाई दे रहा आपको, ग्रेटर देन क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ लिखा है जो एरो बनाया है, ग्रेटर देन बड़ा करने के लिए, लेस देन यहाँ पे स्विंग फंड छोटा करने के लिए, ओके। ग्रो फंड बड़ा करने के लिए, स्विंग फंड छोटा करने के लिए, ओके। चलिए ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर कोई फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। और ये ध्यान रखिए, ये जो अगर पीछे इसके हाईलाइट कलर अप्लाई कर देंगे तो ये हटाएगा नहीं क्लियर फॉर्मेटिंग, बाकी जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है सबको हटा देगा, ओके। चलिए अब क्या करना है कि ये मेकअप जो हमने कर दिया इस पे रेड कलर का अपने नाम पे, इनको काला बनाना है, चलिए काला बना दे रहे हैं। जो पहले जो देखिए क्या था, इंग्लिश वर्ड में है ना, इंग्लिश वर्ड में आ गया, क्यों कि हमने तो इंग्लिश वर्ड में पूरा टेक्स्ट लिखा है ना, इसमें भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, इसके टेक्स्ट बढ़ा दिए और इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, बाकी सब समाप्त, सब जो मेकअप किए थे सब समाप्त हो गया, ओके। सब मेकअप जो इसका समाप्त हो गया, आते हैं देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, ध्यान से देखिएगा ये क्या लिखा है, जो नीचे ड्रॉप डाउन या छोटा बिंदी बनाया है, इसका मतलब समझिए कुछ ना कुछ इसमें है, कुछ ना कुछ इसमें है, तो समझिए गड़बड़ है देवा। आइए इसको देखते हैं, कुछ क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो आप यहाँ पे फंट में सभी मिला के सेटिंग किए थे ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब मिला के सेटिंग किए थे, वो तो इसमें आप सेटिंग कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अत्यधिक सेटिंग भी देता है। जैसे देखिए स्ट्रिक थ्रू की सेटिंग आपने किया था, ठीक है, डबल स्ट्रिक थ्रू की सेटिंग आप इसमें नहीं कर सकते, कहाँ से कर सकते हैं, फंड डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो फंड डायलॉग बॉक्स ओपन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे क्लिक करने पर, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइए, कंट्रोल डी दबाने पर आपको फंड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ फंड कलर दिया है, जो फंड कलर यहाँ से हमने चेंज किया था तो कोई फंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन का स्टाइल दिया है, अंडरलाइन अपने स्टाइल चेंज देख चुके हैं आप। आगे दिया है अंडरलाइन का कलर भी अप्लाई आप कर सकते हैं, जो भी कलर अप्लाई करना होगा।
आगे चलते हैं, स्टिक थ्रू को हटा देते हैं हम। अब आगे देखिए यहाँ पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्स्ट में शैडो अप्लाई होता है, इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको। टेक्स्ट में शैडो अप्लाई आप कर सकते हैं, शैडो मतलब पीछे परछाई, आउटलाइन मतलब जो इसके भीतर वाला रंग था ना, इसको गायब हमने कर दिया, तो आउटलाइन पे अनचेक कर देते हैं, ओके। और एम्बोसेस में क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट था वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब पीछे जो परछाई आ रहा है उसको ब्लैक में कर देगा, ब्लैक में, ओके। स्मॉल कैप सब क्या हुआ, सब कैपिटल लेटर में, ऑल कैप लीजिए सब कैपिटल में, मतलब सब बड़ा बराबर हो गया। हिडन टेक्स्ट को आपको हिडन करना होगा, मतलब क्या करना है कि जो ऑन द इंसर्ट टैब है ना, इसको छुपा देना है, टेक्स्ट को नहीं दिखाना हमको, हिडन कर दीजिए, नहीं दिखेगा, ओके कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, ये नहीं दिखेगा, अन्य कंट्रोल जेड करिए आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा, आशा करते हैं कि पूरा क्लियर समझ में आया होगा आपको, जो भी सेटिंग करना होगा फोन डायलॉग बॉक्स आप कर सकते हैं, बारी बारी से इसको यूज करके देख लीजिएगा। ये हमारा क्लियर होता है फोन डायलॉग बॉक्स। आगे देखिए क्या होता है, ये द गैलरीज हमने लिखे हैं ना, हम गैलरीज लिखे हैं, इसको हम हटाते हैं, लाते हैं अपना नाम, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना नाम हम लिखे हैं, ये पैराग्राफ में जो देखिए ये दिया है चार अलाइनमेंट, ध्यान से देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको। इसका नाम क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है उसका, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये जो चार अलाइनमेंट दिया है इसका काम क्या है, चलिए लेफ्ट अलाइनमेंट का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एल, सेंटर का कंट्रोल ई, राइट का कंट्रोल आर, जस्टिफाई का कंट्रोल जे होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज़ देख लेते हैं, आखिर यूज़ क्या है। तो देखिए पहला यूज़ ये है ना कि ये भी तो लेफ्ट में है, इसको सेंटर में रखना है तो सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट है, सेंटर वाले पे क्लिक कर दीजिए, राइट वाले पे क्लिक करें राइट में जाएगा, जस्टिफाई मतलब जहाँ था पहले वहीं पर चला जाए। दूसरा यूज़ देखिए, ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है दोनों तरफ से बराबर तो है नहीं, सिर्फ लेफ्ट से बराबर है, क्यों, कि लेफ्ट अलाइनमेंट अभी एक्टिव है, सेंटर से बराबर करना है बीच से तो बीच में बराबर कर दीजिए, राइट से बराबर करना है तो राइट अलाइनमेंट करिए, जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है दोनों तरफ से बराबर, मतलब लेफ्ट से बराबर, राइट से बराबर, जस्टिफाई, ओके। पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए जस्टिफाई कमांड का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ध्यान से देखिएगा इसका नाम क्या है, लाइन स्पेसिंग, ओके। लाइन स्पेसिंग का अर्थ क्या होता है, कहने का अर्थ लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो लाइनों के बीच में जो दूरी है ना, लाइनों के बीच में दूरी क्या, इसे मोस्ट कंट्रोल ऑफर एच वाइस, और दूसरा लाइन दैट यू स्पेसिफाई डायरेक्टली, ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है इसको सेटिंग करना है, कम या ज़्यादा करना है तो क्लिक करिए, अभी तो 1.15 है, अब इसको ज़्यादा करना तो 1.3 कर दीजिए, देखिए गैपिंग तो ज़्यादा हो गया ना, ओके गैपिंग देख सकते हैं आप, गैपिंग ज़्यादा हो गया, गैपिंग देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और आते हैं, अब क्या करते हैं कि इसको 1.0 कर देते हैं। अब क्या करना है कि पूरा फिर से बहुत कम जो स्पेसिंग है ना और कम कर देना, हटा देना पूरा स्पेसिंग है, तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सब खत्म, ओके। तो लाइनों के बीच की दूरी व्यवस्थित करने के लिए लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज़ करते हैं, आशा है आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब अगला होता है ये शेडिंग होता है, ये हाइलाइटर तो हम लोग देखे कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उस पर हाइलाइटर हमने अप्लाई कर दिया, हाईलाइट हो जा रहा था, ओके। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो हाइलाइटर था जो टेक्स्ट सेलेक्ट था उसी पे काम कर रहा था, अगर हम क्या करें कि कहीं भी क्लिक किए हैं, पूरे एक लाइन को सेलेक्ट करना है, पूरे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, पूरे एक पैराग्राफ को कलर करना है, तो शेडिंग का ऑप्शन देता है, पहले क्लिक कर लीजिए जहाँ जिस पैराग्राफ को कलर करना हो बैकग्राउंड में, उस पैराग्राफ के यहाँ क्लिक कर लीजिए, ओके। और दूसरा ये है कि जहाँ से आपका लाइनिंग चेंज होगा वो पूरे लाइनिंग को कलर करता है, ये बस उस लाइन पे क्लिक करिए और उस लाइन पे अप्लाई कर दीजिए, पूरे लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको किनारे किनारे ये कलर ला देना है तो ये रूलर दिया है ना, रूलर को पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं, किनारे किनारे ये आपका कलर आ जाएगा, ओके क्लियर है। अब दिया है देखिए बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे ना, बॉर्डर पे बहुत सारा बॉर्डर दिया है, ध्यान से देखिएगा, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये सब बॉर्डर तो दिया है, इतना बॉर्डर दिया है। अगर ये सब बॉर्डर नहीं लगाना, अपने मन से बॉर्डर लगाना तो दिया ना, हॉट ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल अपने मन से ड्रॉ करिए, है ना, कैसे ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लिया हमने, लीजिए अपने मन से ड्रॉ टेबल ड्रॉ कर लिया हमने जैसे ड्रॉ करना था, या इसी को अपने मन से ड्रॉ कर दिया इसी में, है ना, जैसे आपको टेबल ड्रॉ करना है ड्रॉ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए एक अब दिया है, हम कर देते हैं नो बॉर्डर। अब आते हैं इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, जो टेक्स्ट आपका लिखा है इसमें, जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसमें क्या करना है कि बॉर्डर लगाना है। तो पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट चलते हैं बॉर्डर में, लगा देते हैं ऑल बॉर्डर, बॉर्डर तो लगा दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये पूरे आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, पूरा किनारे किनारे बॉर्डर लगा है। अब आपको क्या करना है कि पूरा जो लाइन बाई लाइन बॉर्डर लगाना है, तो कुछ नहीं, जहाँ से पैराग्राफ चेंज होता है ना ऑल बॉर्डर में, वहीं पर आपका लगता है क्या, वहीं से आपका पूरा बॉर्डर लगता है।
तो एक बार क्या करिए आप, लास्ट में क्लिक करिए और एंटर की दबा दीजिए, ये पहला बॉर्डर बन गया, फिर एंटर की दबाइए दूसरा बॉर्डर बन गया, फिर यहाँ पर क्लिक करके तीसरा बॉर्डर बन गया। मतलब इसी तरह बॉर्डर लगा सकते हैं, लगा कर देखिएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात की जाए तो आगे तो ही हमारा बॉर्डर क्लियर है, बॉर्डर को हटाना होगा तो जहाँ से लगाए हैं वहीं पर जाइएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। जहाँ से कोई फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर दिया है वहीं पर हमको जाना भी पड़ेगा, तो यहीं पर जाते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर सब खत्म, बॉर्डर क्या हो गया सब खत्म। ओके चलते हैं अगला, ये बुलेट्स नंबरिंग मल्टी लेवल लिस्ट पे, और इसका विस्तृत यूज़ हम लोग देखते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर, सबसे पहले हम बुलेट्स पे देखते हैं, बुलेट्स का यूज़ देखिएगा क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए हम बुलेट्स के लिए आप डॉट लगाते हैं यहाँ पे, है ना, इसको हम एक बार बड़ा करते हैं, आप दिखाते हैं, यह हमने डॉट रहा है, ये हमने डॉट लिखा है ना, और उसके बाद हम मान लीजिए राम लिखते हैं, ये हमने मोहन लिखा, लेकिन डॉट लगाना पड़ेगा फिर से। तो हम क्या करते हैं, डॉट बिंदु जो है ना एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, लिस्ट में ये सब आपका सिंबल हमको लेना है, जो सिंबल है ना, कोई सिंबल, एक सिंबल हमको अप्लाई कर देना है। तो चलिए कोई सिंबल पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हमने कर लिया, राम लिखते हैं, फिर मोहन लिखते हैं, आपको अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप लगता रहेगा जब जब एंटर की दबाएंगे, जब जब आप एंटर की दबाएंगे वो तब तब लगता रहेगा। अब क्या करना है कि अपने मन से हम कोई सिंबल, यहाँ पे अगर आपको कोई सिंबल नहीं मिल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं सामने अगर कोई सिंबल नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ आ सकते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आएंगे तो ये देखिए सिंबल दे रहा है, बहुत सारा सिंबल इसमें मिलेगा आपको। कहाँ क्लिक करना है आपको, सिंबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंबल पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा सिंबल ये देखिए दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से कोई भी सिंबल नहीं लेना आपको, तो ये फंड दे रहा है ना, फंड, अब फंड में सिंबल दे रहा है, सिंबल पे जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा सिंबल दे रहा है, इसमें कोई भी सिंबल आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी के अनुसार ये सिंबल बदलता रहता है। कोई भी सिंबल यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई भी सिंबल को अप्लाई कर सकते हैं, जो सिंबल पे क्लिक करिए और यहाँ से क्या करना पड़ता है, ओके, या यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लेना है, आर का, टीएम का, जो भी सिंबल लेना है यहाँ पे कॉपीराइट का लेते हैं, ओके करते हैं। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, फंट को, जो फंट हम चेंज करना चाहते हैं, फंट को चेंज कर लें, तो इसको हम बोल्ड में रखते हैं, इसकी साइज़ को हम 72 कर देते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है नीचे, आप देख सकते हैं प्रीव्यू दिखा रहा है, कहाँ देख सकते हैं, नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, बड़ा है तो इसलिए नहीं दिखा रहा। अब क्या करते हैं कि इसमें कलर अप्लाई करना, हमको कलर आप रेड अप्लाई कर देते हैं, अंडरलाइन अप्लाई करना, हाँ ये अंडरलाइन अप्लाई करते हैं, अंडरलाइन का भी कलर हमारा रहेगा, चलिए ठीक है। अब इतना अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि ओके कर देना है भाई, अब यहाँ से फिर ओके कर देना है, ये आपका अप्लाई हो गया। राम के बाद अगर मोहन लिखते हैं, मोहन, अब उसके बाद सोहन लिखते हैं, तो आपका ये कॉपीराइट का जो साइन है ना, ये हमने जो सेटिंग किया था वो सामने आ जाएगा, और एक बार लगा देंगे तो आपको यहाँ पे देखिए रिसेंटली में यूज़ में दिखाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बुलेट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ना क्लियर हो, अगर ना आपको समझ में आए तो वीडियो को में कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर से आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका नंबरिंग का। आगे नंबरिंग का अर्थ क्या है, जैसे हम यहाँ पे मोहन लिख रहे हैं, मोहन के बाद सोहन या जो भी लिखेंगे, ठीक है, मोहन के बाद सोहन, तो यहाँ पे एक दो तीन अप्लाई करना, हमको बुलेट्स नहीं लेना है, ये डॉट, ये बुलेट्स नहीं लेना हमको, एक दो तीन लेना है। तो चलिए फर्स्ट सेकंड जो भी यहाँ पे अप्लाई करना है, एक दो तीन, तो एक हमने यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया, एक दो तीन आएगा, चलिए ठीक है। अब जब भी हम एंटर दबाएंगे ना, दो आएगा फिर, है ना, रोहन हम लिख देते हैं, रोहन, अब हम सोहन लिख देते हैं, ओके। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको मान लीजिए सोहन का कोई लड़का है, सोहन का लड़का रामू है, अब रामू तो इसके अंदर आएगा ना, ये तो मान लीजिए इसके पिताजी है तो हेड है ना, हेड के अंदर आएगा ना, ये मेन हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगा। अब तीसरा का ए आएगा, वो तो तीसरा का ए ही आएगा ना, तो मान लीजिए रामू, रामू क्या है, उसका लड़का है। अब रामू का भी कोई लड़का है तो लीजिए टैब दबा दे रहे हैं, एक बार और टैब दबा दिए, है ना, सामू हम कर दे रहे हैं, सामू, रामू का लड़का सामू, अब सामू का भी लड़का कोई है, तो हाँ सामू का भी है, तो मान लीजिए रोहन लिख दे रहे हैं, राहुल लिख दे रहे हैं, रामू का लड़का रोहन, राहुल। तो जब जब आप टैब दबाएंगे ना, उतना ही अंदर आप जाते रहेंगे, उतना ही अंदर जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ आपको, इसको हम कंट्रोल लेकर के हटा देते हैं और पेज को एक बार छोटा करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही लिखते हैं, बराबर का साइन आर ए एन डी, बराबर का साइन हमको क्या लिखना है, आर ए एन डी, बराबर का साइन लिखते हैं आर ए एन डी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट द सेंटर, है ना, आर ए एन डी लिखना है, ऐसे लिख दिए हम आर ए एन डी, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, आर ए एन डी, मिस्टेक, डी लिखते हैं और उसके बाद एंटर दबाते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमको यूज़ करना है अब आगे मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमने लिखा और क्वेश्चन यहाँ से अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए पहला का ये होता है ना, पहला का ऑप्शन ए, तो मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर,
जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, ओके व्हाट इज कंप्यूटर, अब ऑप्शन देना है हमको पहला का ये, तो क्या करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट में जो हमने आप देखा था यहाँ से ना, क्या होगा कि पहला क्या है, पहला का ए आएगा, ठीक है पहला का ए आएगा, तो आएगा कहाँ से, टैब दबाइए, कीबोर्ड से दबा दीजिए टैब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिख दीजिए, जो भी लिखना आपको ऑप्शन, जो भी मतलब कोई भी ऑप्शन लिखना हो यहाँ पे आप ऑप्शन लिख के लिख सकते हैं। अब डी के बाद आपको फिर दूसरा क्वेश्चन आप टाइप करना है, तो एक बार एंटर दबाएंगे तो ई आ जाएगा, ई तो दे रहा है ना, ई नहीं लेना है, दो लेना है, दो वाला, फिर एक बार और एंटर दबा दीजिए, आ गया, फिर ऑप्शन लेना है, फिर ऑप्शन टैब दबाइए, फिर ऑप्शन आ गया, फिर है ना चार ऑप्शन लिखने के बाद फिर एंटर दबाइए, फिर हमको क्या करना है दो के बाद तीसरा क्वेश्चन लेना है, फिर एक बार एंटर दबा दीजिए, फिर आ गए, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे फिर टैब दबाएंगे, फिर चौथा का ऑप्शन है ए बी सी डी लिखने के बाद फिर एंटर, फिर अब क्या करना है तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन लेना है, फिर एंटर दबा दीजिए, है ना, एक बार एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आ गए, अब टैब दबाएंगे तो फिर ए, ओके ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, चलिए आशा करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए अगला क्या होता है, इंक्रीज इंटेंट डिक्रीज इंटेंट, आप यहाँ से पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना, ये क्विक आपका फॉर्मेटिंग के लिए देता है, आप सेंटर में जहाँ बोल्ड इटैलिक करना हो कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको पकड़ के भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट देता है, इसको एक बार हम बड़ा करते हैं, है ना, किसको पकड़ के बड़ा छोटा करना, आगे पीछे करना, इसको एक बार पीछे बड़ा पीछे, ओके बढ़ाओ आगे, इंक्रीज करो आगे, ओके डिक्रीज करो पीछे, चलिए अब आगे आते हैं, ये इसका नाम क्या है, इंक्रीज इंटेंट, है ना, इंक्रीज इंटेंट इसका, डिक्रीज इंटेंट इसका, नाम याद रहेगा, इंक्रीज इंटेंट जो आपका, देखिए जो एरो दाएं की तरफ है ना राइट की तरफ उसको इंक्रीज, क्योंकि पेज में रूलर को आगे की तरफ बढ़ाएगा, और जो पेज में रूलर को पीछे की तरफ बढ़ाएगा उसको डिक्रीज, तो एक बार यहाँ पर देखिएगा प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाएगा, अगर हमें इंक्रीज करें देखिए क्या हो रहा है, रूलर क्या हो रहा है आगे दे रहा है आगे, यहाँ पे इसको देखिएगा, इसको इंक्रीज 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 डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इसका यूज क्या है आखिर देखिएगा, अब हम यहाँ पे रूलर को सेट कर दिया, हम यहाँ पे रूलर को तो सेट कर दिए ना, अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे रूलर के जस्ट सामने ही लिखेगा, जस्ट ओके जस्ट इसके सामने ही लिखेगा, आशा है आपको क्लियर समझ में आया होगा, डिक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए रूलर को, या इसको हम सेलेक्ट कर लिए इंक्रीज, है ना इंक्रीज डिक्रीज करिए घटाने के लिए, ओके शॉर्ट क्या होता है कि मान लीजिए हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए हम राहुल लिखते हैं, राहुल सोहना, ओके राहुल एंटर देते हैं, सोहना मोहन रोहन लिखेगा, रोहन नहीं लिखें, अब अपना ही नाम लिखते हैं अखिलेश, अपना नाम लिखते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए अभय लिखते हैं, अभय लिखते हैं, इतना नाम हमने लिख दिया, अब बाद में हमको याद आता है तो गलती कर दिए, बाद में याद आता है तो हमने गलती कर दिया, पहले हमको ए वाले को लिखना था, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, ये क्या लिख दिया, अब नीचे वाले लिख देते हैं कि सॉरी, मान लीजिए बेबी, उससे लिख देते हैं, क्या करना है बेबी लिख दिए, अब ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ सी वाला तो है नहीं, अब क्या करना है कि ए के बाद पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करना तो आता है ना, क्लिक करिए माउस, बस ड्रैग कर दीजिए सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल विंडो लोगो की हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले इसको जूम करते हैं, ये सेलेक्ट है हमारा, चलते हैं शॉर्ट पे, शॉर्ट पे चलते हैं शॉर्ट, ओके क्या दे रहा है नीचे देख सकते हैं, अल्फाबेटाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा, क्लिक करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ध्यान दीजिए, शॉर्ट बोल रहा है पैराग्राफ, ठीक है ये तो पैराग्राफ ही है, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट लिखे हैं, नंबर नहीं लिखे, नंबर लिखे होते तो नंबर लिखते आप, डेट रहता तो डेट लिखते, असेंडिंग की डिसेंडिंग तो हमको असेंडिंग रखना, ए टू जेड लिखना है ना, चलिए अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ओके ओके पे क्लिक करिए, जस्ट ओके पे क्लिक करिए, ए के बाद बी के बाद बी, यहाँ देख सकते हैं ए ए बी एम ये सब आ गया, अब अगर बात करें कि आपको नंबर लिखना हो तो जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, जैसे एंटर 5, 8, 96, 30, 22, अब इसको क्या करना हमको कि असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो पहले 5 आएगा उसके बाद 8 उसके बाद जो भी आएगा, तो हम क्या करेंगे शॉर्ट पे क्लिक करते हैं, क्या करेंगे असेंडिंग नंबर अपने आप ले लेगा, सेलेक्ट करेंगे अपने आप नंबर ले लेगा असेंडिंग, ओके देखिए 5, 8, 12, 20, 30, 96 सब आ गया है ना, तो ईजी है आप कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं ये क्या है आपका सो एंड हाइड बटन पे, सो एंड हाइड बटन पे आप आना है आपको, तो सो एंड हाइड बटन का यूज़ क्या है देखते हैं, ये देखिए एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं स्पेस दबा देते हैं, दबा दिए स्पेस, और ये नीचे वाला जो है ना लाइन इस पर हम टैब दबाते हैं, टैब की उससे भी दूरी लेते हैं, ओके अगर कीबोर्ड के सारे कीज के बारे में जानकारी आपको नहीं है तो इसमें मास्टर वीडियो हमने बनाया है,
वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करिए, कीबोर्ड में मास्टर बनना तो वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज है और कहाँ पे लाइनिंग कैसे चेंज है, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और शो एंड हाइड दिया है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर डॉट बिंदु दे रहा है, जहाँ पर टैब है वहाँ पर एरो की दे रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना, ये देखिए टैब की जहाँ है तो वहाँ पे एरो की, जहाँ पे स्पेस लिया वहाँ पे डॉट डॉट बिंदु दे रहा है, और जहाँ पे एंटर दबा दी ये आपका शो एंड हाइड का आइकन दिखा रहा है। क्लियर है, आशा करते हैं पैराग्राफ का पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। और जस्ट यहाँ पे देखिए, अब भी यहाँ पे दे रहा है क्या, ये दे रहा है ना छोटा सा बिंदु, नन्हा सा प्यारा सा, ओके पैराग्राफ का। अब देखिए क्या है कि इंडेंट स्पेसिंग दे रहा है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, और अलाइनमेंट दे रहा है, अलाइनमेंट इसमें हम लोग सेटिंग तो कर लिए। ये पैराग्राफ में पूरा जो कमांड है ना उसको मिला के पैराग्राफ में यहीं पे दे देता है, एक ही जगह दे देता है। इसकी सेटिंग आप एक ही बार में करके कोई टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको, अगर इसको हटाना होगा ना शो एंड हाइड को, तो याद रखिएगा जहाँ से लगाएं वहीं पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा है ना। इस पैराग्राफ पर हम क्लिक करते हैं, ये मान लीजिए हम सेंटर में लेते हैं, ओके ये आउटलाइन बॉडी, इसको सेकेंड लेवल पर रखेंगे, इसको सेकेंड में आएगा। और इंडेशन जो भी रखना होगा इंडेशन बढ़ा लीजिएगा, ओके मिरर इंडेंट मतलब शीशे के समान बिफोर स्पेसिंग में, ओके ये आपका देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ जो है ना ऊपर से जगह छोड़ रहा है, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया पूरा, जो मतलब सेटिंग करना है पैराग्राफ से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एक बार डिलीट करते हैं, फिर से हम टेक्स्ट लिखते हैं क्या, इक्वल का साइन आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, जस्ट एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कोई क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट को बढ़ा लिए, सबको कलर कर दिए, ओके हाईलाइट कर दिए, कलर कर दिए। अब क्या करना है, नॉर्मल टेक्स्ट करना है, चलिए नो स्पेसिंग कर दिए, नॉर्मल तो है, ओके पहले क्या है देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग किए थे, ये तो फॉर्मेटिंग पूरा अप्लाई है। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल हो, जैसे पहले हमने टाइप किया था ना पिछले ज़माने में, पिछले ज़माने नहीं अभी टाइप किए हैं, कहने वाली बात है कि पीछे हमने टाइप किया था ना वैसा करना है, तो नो स्पेसिंग करते हैं, ये तो पुराने ज़माने जैसा हो गया, नॉर्मल करते हैं जैसे पहला टाइप किए थे वैसा हो गया, ओके ना। तो जो फॉर्मेटिंग आपको, अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि जब हम बाय डिफॉल्ट को एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कैसा होता है, तो नॉर्मल स्टाइल में होता है। क्लियर है, क्लियर रहेगा, एकदम रहेगा। अब ना समझ में आए तो दिमाग का इलाज कराइएगा आप लोग, क्योंकि अगर समझ में इस तरह ना आएगा ना तो किसी तरह भी नहीं आएगा। नो स्पेसिंग समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है कि नॉर्मल कर रहे हैं तो स्पेस तो इसमें है, नो स्पेसिंग में कोई स्पेस नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप कोई भी स्पेस आपका नहीं दे रहा। और यहाँ पे देखिए कोई जो स्टाइल जो होता है ना बाय डिफॉल्ट, इसमें जितना आपने बोल्ड करेंगे इटैलिक करेंगे ये सब कुछ स्टाइल बनाकर दिया रहता है, जो अप्लाई आप जल्दीबाजी में कर सकते हैं। जैसे देखिए हेडिंग दिया, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव, ये हेडिंग का यूज़ हम लोग इस रेफरेंस टाइप में भी यूज़ करते हैं, रेफरेंस टाइप में, तो चलिए आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी देख लीजिए बना बनाया जो होता है ना स्टाइल, आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ बना बनाया स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई सेटिंग क्या होता है कि अब आपको अगर कोई नाम लिखकर अप्लाई करना है या मॉडिफाई करना अपने मन से मॉडिफाई, तो मॉडिफाई आप कर सकते हैं। मॉडिफाई में क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे अपने नाम ही लिख देते हैं, अखिलेश लिख देते हैं, अखिलेश हमारा फॉर्मेटिंग का नाम अखिलेश रहेगा है ना। अब स्टाइल टाइप क्या रहेगा, पैराग्राफ ठीक है, स्टाइल बेस्ड क्या है, नो स्टाइल हमारा हेडिंग 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 मान लीजिए हेडिंग 3 रहेगा, और यहाँ पे टेक्स्ट की साइज हमारा 22 रहेगा, ये टेक्स्ट का कलर हमारा रेड रहेगा, मतलब जो चूज करना है चूज कर लीजिए, आपका स्टाइल बनने वाला है, सेंटर में रहेगा। और चलिए इटैलिक अंडरलाइन जो अप्लाई करना हो, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट रहेगा ये कुछ फॉर्म में, ये वाला अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं अखिलेश, हम भी आ गए देखिए हम भी आ गए ना। चलिए ये भी आप भी आ सकते हैं, आप भी अप्लाई करिएगा, स्मार्ट तरीके से यूज़ करिएगा, स्मार्ट बनिएगा, ओके स्मार्ट है ना। यहाँ पे जो भी अप्लाई करना हो अप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं चेंज स्टाइल में, चेंज स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चेंज स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, और चेंज स्टाइल में आते हैं, स्टाइल का सेट है। अब जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए सब गायब हो गए इसमें भी। ट्रेडिशनल करेंगे तो ये मतलब पुराने ज़माने के बाबा दादा जो थे ना, मतलब बाबा दादा पुराने ज़माना समझिए, सिंपल करिए सिंपल में आएगा, वर्ड 2007 करिए 2007 में ऐसा लिख के आएगा। तो इसमें मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ है अप्लाई आप कर सकते हैं। फंट में कलर क्या होता है, कलर तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे आप सेटिंग अप्लाई करेंगे, सेटिंग कर दीजिए अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कलर में क्या होता है कि कुछ बना बनाया कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे कुछ अप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे आ रहे हैं देखिए, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे
अलग अलग जो प्रीव्यू दिखा रहा है कुछ कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ये पूरे कलर को मिला कर देता है। यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा तो और कोई कलर मिला लीजिए, और कोई कलर भी मिला सकते हैं आप, ये कलर हमने मिला दिया। अब प्रीव्यू इसका देख रहे हैं, प्रीव्यू देखिए कैसा दिखा रहा है ना, कोई भी प्रीव्यू आप देख सकते हैं। खुद से बनाना होगा कस्टम तो लीजिए, क्रिएट ए न्यू थीम, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट न्यू थीम कलर, इस पर क्लिक करिए और अपने मन से कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं। इसे देखिए, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, रेड है, तो चलिए हम कोई अप्लाई कर देते हैं, ये दूसरा करते हैं। बैकग्राउंड टू में क्या रहेगा, हम इसको अप्लाई करते हैं, ये वाला क्या रहेगा, मतलब कोई भी कलर अप्लाई कर देते हैं बाय, अब चूज करके बारी बारी से देख लीजिएगा, हम सेव कर देते हैं। अब आते हैं अपने यहाँ पे कलर पे, कस्टम कलर टू वाले पे, देखिए अप्लाई हो गया है ना, आशा करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, कल क्लियर अगर समझ में आ रहा होगा ना, समझ में तो आ ही रहा है, तो ईमानदारी से एक अपना पॉजिटिव कमेंट, मतलब एक सही कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे चलते हैं फंड पे, फंड में देखिए कुछ बना बनाया फंड होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट फंड होता है, अप्लाई कर सकते हैं कोई भी फंड को। अब देखिए ये तो हमने बहुत खिचड़ी कर दी, इसको हटाते हैं, अब चलते हैं किसमें, एडिटिंग में, बराबर का साइन RANDब्रैकेट ओपन क्लोज जो सेंटर करते हैं। अब देखिए हमको यूज करना है एडिटिंग का, एडिटिंग लास्ट ग्रुप होगा। एडिटिंग में फाइंड में आते हैं, फाइंड में क्या क्या खोजेंगे, देखिए जब भी कोई शब्द या शब्द समूह खोजना होगा तो फाइंड कमांड का यूज करते हैं। फाइंड कमांड में आपको क्या करना होगा, देखिए अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किस डायलॉग बॉक्स में तीनों कमांड एक ही साथ होता है, तो फाइंड में रिप्लेस गो टू तीनों साथ में होता है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड में। फाइंड में देखिए राम हमने फाइंड किया है पहले से, तो हम यहाँ पे राम अगर लिखा रहेगा तब तो फाइंड करेगा, छोटा करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमको द फाइंड कर, जहाँ जहाँ द लिखा है ना, जहाँ जहाँ द लिखा है तो द को लिखेंगे इसी में। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ द फाइंड वर्ड में पूछ रहे हैं, फाइंड वर्ड में क्या होगा, द THE द। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग कुछ करना होता है, सेटिंग करना क्या होता है कि यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट तो मेन ही डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं मोर में, क्या है मोर में कि मैच केस फाइंड होल वर्ड, यानी पूरे वर्ड में फाइंड करना है। अगर मैच केस ओके मैच केस मैच हो तभी, मतलब द मिले तभी फाइंड करें। अब अगला होता है कि रीडिंग हाईलाइट, अगर मिल जाए द उसको हाईलाइट कर दे, रीडिंग हाईलाइट, ध्यान से देखिएगा इसको क्या लिखा है, रीडिंग हाईलाइट में क्या लिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, रीडिंग हाईलाइट को क्लिक कर दीजिएगा। रीडिंग हाईलाइट जहाँ जहाँ द रहेगा उसको हाईलाइट कर देगा, देख लीजिए जहाँ जहाँ द उसको हाईलाइट तो कर दिया, ओके। और स्पेशल में बहुत सारा एनी डिजिट एनी लेटर कैरेक्टर ओके EM डैश, तो इसका यूज आप करके बारी बारी से देख लीजिएगा, ओके ना। आगे बढ़ते हैं फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ द होगा वहाँ वहाँ खोज देगा। चलिए ये तो हुआ हमारा कि कहाँ कहाँ द है, ठीक है। अब चलते हैं फाइंड में रिप्लेस में क्या है, तो रिप्लेस में क्या होगा कि द के स्थान पर जय श्री राम लिखे, जय श्री राम। तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो जहाँ पे एक स्थान जहाँ फाइंड किए रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे द है, रिप्लेस करेंगे तो इसी स्थान पे द जय श्री राम करेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल करके जहाँ जहाँ द है वहाँ वहाँ रिप्लेस ऑल कर देगा। लीजिए कर दिया सबको, जय श्री राम, जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ जय श्री राम कर दिया, आप देख सकते हैं जय श्री राम यहाँ भी किया और जगह भी किया होगा, चलिए ओके। अब आगे फाइंड में देखिए अगला होता है गोटू का, गोटू में बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन अभी हम लोग पेज का जो पेज दिया है ना, अभी हम पेज को बढ़ाते हैं, अभी तो पेज हमारा एक है, हम इसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं तभी पेज बढ़ जाएगा हमारा, ओके। हम लोग किस पेज पे हैं, तो तीसरे पेज पे हैं, हमको पहले पेज पे जाना है, ओके पहले पेज पे जाना है, तो फाइंड में जाएंगे हम, जाएंगे गोटू में, और गोटू में पूछता है पेज नंबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर, ओके पेज नंबर लिखा है, पेज एंटर पेज नंबर, लीजिए हमने एक पेज पे जाना हमको, हम यहाँ पे गोटू कर देते हैं, क्या करेंगे गोटू क्लिक करते हैं, गोटू पे जस्ट हम एक पेज पे पहले पेज पे चले गए, क्लियर है। सेलेक्ट में क्या होता है, सेलेक्ट में बहुत सारा ऑप्शन दिया है इसमें, सेलेक्ट ऑल होता है एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हैं और वापस लाना हो तो कंट्रोल जेड करिए, ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला दिया है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, कहने का अर्थ क्या है कि अगर जय श्री राम जहाँ जहाँ हमने लिख दिया है इसको सिमिलर फॉर्मेटिंग करते हैं, इसे बड़ा छोटा कर देते हैं इसको,
इसमें कलर बोल्ड जो भी करना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देते हैं, और इस पे हम एक बार फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर देते हैं। क्यों? कि सिमिलर फॉर्मेटिंग करना एक ही जैसा सबका फॉर्मेटिंग। इस पे हम क्या करते हैं, जय श्री राम यहाँ भी है, और जहाँ जहाँ जय श्री राम हमने लिखा है उसको सिमिलर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको और को भी करते हैं, इसको भी करते हैं। और एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट में जो सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग दिया है आपका, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कहने का अर्थ क्या है कि जो हमने अभी फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई किया है ना, ये जय श्री राम तो यहाँ पे है, अगर जो फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई है वही टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट देखिए क्या हुआ, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, एक बार हटाते हैं इसको, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग सबको सेलेक्ट कर लिया। अब अगला इसमें लास्ट बस होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। जब कोई ऑब्जेक्ट आप लेंगे, कोई भी शेप बनाइए या पिक्चर बनाइए, उसको सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका होम टाइप क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।